For more updates, subscribe the channel and click the bell button. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Aaj main aap sabko Adobe Illustrator CC 2018 mein line segment tool ke baare mein bataunga. To ye line segment tool aapko kahan pe milegi? Ye bilkul type tool ke jo next tool hai. ये है लाइन सेगमेंट टूल. अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये टूल एक्टिवेट हो गया. अब इस टूल का यूज़ क्या है? इस टूल के ज़रिए हम कहीं भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ड्रा कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ से स्ट्रोक सिलेक्ट कर लेते हैं. रेड कलर सेलेक्ट किया और स्ट्रोक वेट है उसको 3 कर देता हूँ. ठीक है, अभी देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ. ये देखिए अपने माउस के साथ. ठीक है, आपको जहाँ पर भी लाइन ड्रा करनी है उस तरफ माउस को ले जाएं. तो ये देखें मैंने एक लाइन ड्रा की है. इसी तरह एक और लाइन ड्रा करते हैं. देखें जिस तरफ भी आपको लाइन चाहिए आप उस तरफ लाइन ड्रा कर सकते हैं. ठीक है, अब देखें लेट सपोज अगर आपको एक सीधी लाइन ड्रा करनी है तो आप कैसे उसको देख सकते हैं. मिसाल के तौर पर ये देखें टेढ़ी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है. अगर मैं अपने की बोर्ड से शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये लाइन ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी. ये देखें, ठीक है, जैसे मैंने शिफ्ट प्रेस किया साथ ही लाइन वो बिल्कुल सीधी हो गई. तो जहाँ पर सीधी हुई वहाँ आके आप जो माउस को जो लेफ्ट क्लिक आपने प्रेस किया हुआ है होल्ड किया हुआ है उसको आप छोड़ेंगे तो वहाँ पर वहाँ तक लाइन ड्रा हो जाएगी. देखिए, ठीक है, इसी तरह ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई. वर्टिकल लाइन भी इसी तरह आप ड्रा कर सकते हैं. ठीक है, लाइन सेगमेंट टूल को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर क्लिक करें और क्लिक को होल्ड करके रखें. ठीक है, ये देखें जिस तरफ भी आपको लाइन ड्रा करनी है उस तरफ का आप लाइन ड्रा कर सकते हैं जिस तरह ये. ठीक है, इसी तरह अगर आपको सीधी लाइन ड्रा करनी है और आपको मुश्किल हो रही है तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे तो साथ ही लाइन सीधी हो जाएगी. देखिए मैंने शिफ्ट प्रेस किया साथ ही सीधी हो गई. ठीक है, इसके अलावा भी आप यहाँ पे भी देख भी सकते हैं. यहाँ पे एंगल भी आ रहा होता है. ये देखिए इस वक्त 359 है, 350 ये ज़ीरो हो गया. ठीक है, ज़ीरो मतलब ये बिल्कुल सीधी इस वक्त. ठीक है, ये देखिए एंगल भी आ रहा है सारा. ठीक है, ये इस तरह. ठीक है, ये देखिए 45 0 315 इस तरह. तो ये तरीका था लाइन सेगमेंट टूल यूज़ करने का. ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा ये टूल यूज़ होता है और ब्रोशर्स वगैरह के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए ये टूल काफ़ी इस्तेमाल होता है. अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक कर दें. कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को याद से प्रेस कर दें फ्यूचर अपडेट्स. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.